राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन ने आज नर्सिंग भर्ती 2018 में चयनित यूपी संविदा नर्सेस की ज्वाइनिंग 29 अप्रैल से मानते हुए शीघ्र परिवीक्षा काल शुरू करने की मांग की है। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि लंबे समय से नर्सिंग कर्मी भर्ती को लेकर परेशान है और इसी बीच वह अवसाद में भी चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जनाना अस्पताल में कार्यरत केकड़ी निवासी यूटीवी नर्सेस ने अवसाद के कारण कमरे में आत्महत्या कर ली, इसकी सूचना आज मिली है। ऐसे में कई कर्मचारी हैं जो ज्वाइनिंग नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। इसी समस्या को देखते हुए आज चिकित्सा मंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे कि वह नर्सिंग कर्मियों की इस पीड़ा को समझते हुए जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाएं और उनकी परिवीक्षा काल शुरू हो सके। ऐसा नहीं होने पर यूटीवी नर्सिंग कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। 3-4 दिन से हमारा एक नर्सिंग कर्मचारी राम साहेब धाकर जो संविदा कर्मी था, और विभाग ने अभी 28 अप्रैल 2020 को आदेश जारी किए थे कि जल्दी हम नियमित नियुक्ति का आदेश किए थे, लेकिन अभी तक नियमित नियुक्ति नहीं दी। काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रखा था काफ़ी दिन से, और साथ में फैमिली से करीबन 3-4 महीने से फैमिली के संपर्क में नहीं आया, ना फैमिली के पास गया, क्योंकि कोविड-19 के दौरान सरकार ने उनके डे ऑफ व छुट्टियाँ बिल्कुल कैंसिल कर दी। इससे परिवार से दूर रहते हुए यहाँ पर कोविड में और अपने मरीजों की सेवा कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जो 28 अप्रैल को आदेश जारी किया था उसको एक मजाक बना के रख दिया। नियमित नियुक्ति के नाम पर संविदा नर्सेज के साथ धोखा किया गया। इस तरीका से काफ़ी दिन से वो कर्मचारी परेशान चल रहा था, जो गोपनीय जो उसके दोस्त और मित्रों से पता लगाया कि क्या कारण था उसकी आत्महत्या करने का। आज उसकी बॉडी मिली, मोर्चरी में रखी हुई है। अब हमारा जो कर्मचारी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है, उसका डे ऑफ भी कैंसिल कर दिया, साथ ही क्वारंटाइन भी ख़त्म कर दिया है। इससे नर्सिंग कर्मचारी इतने कोविड-19 को देखते हुए इतने डरे हुए हैं कि करें क्या, क्योंकि फैमिली में जाते हैं तो संपर्क का खतरा। बीच में उसकी कोविड की जांच करवाई थी, उसको सस्पेक्टेड करके नेगेटिव हुआ था, लेकिन उसको क्वारंटाइन भी किया था। काफ़ी दिन से कर्मचारी परेशान चल रहे हैं, वो कर्मचारी मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो रहा था संविदा रूपी धन से। जरूरी नहीं है कि हर कर्मचारी के अंदर जो मानसिक अवसाद झेलने की क्षमता होती है, वो कर्मचारी इतना प्रताड़ित हो गया इस संविदा रूपी धन से कि आखिरकार उसने सुसाइड करने के लिए मजबूर हुआ। हम चाहते हैं कि जो संविदा कर्मचारी राम साहेब धाकड़ अभी जो सुसाइड किया है, उसको जो परिजन है उसको अनुकंपा नियुक्ति जाए। साथ में जो 28 अप्रैल को जो विभाग ने आदेश जारी किए थे कि संविदा नर्सेज को नियमित किया जाएगा, लेकिन संविदा नर्सेज को अभी तक नियमित नहीं किया गया, जबकि जो बेरोजगार नर्सेज हैं उनको नियुक्ति दे दी गई है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी संविदा नर्सेज हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर जारी करके 29 अप्रैल 2020 से हमारे परिवीक्षण काल जारी किया जाए, तथा राम साहेब धाकड़ जो नर्सेज है संविदा कर्मी है जो अभी सुसाइड कर लिया है इस संविदा रूपी धन से परेशान होकर, उसके परिजन जो आश्रित हैं उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसके लिए हमने आज कैजुअलिटी के बाहर जो ऑफ ड्यूटी स्टाफ था उसने प्रदर्शन किया है ताकि हमारी मांग मानी जाए। हम प्रिंसिपल के माध्यम से चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं इसके लिए।